कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई है। देश से विदेश तक खुलकर किसान आंदोलन की आड़ में एंटी मोदी एजेंडा चल रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के नाम पर इंडिया के खिलाफ प्रपंच फैलाने का जो एजेंडा चलाया, उसका सच सामने आ गया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट गूगल पर शेयर की, उसमें लिखा क्या था वो बताते हैं। इस टूल किट में 26 जनवरी दंगों की पूरी डिटेल दी गई थी, लेकिन ग्रेटा ने बिना पढ़े उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। इसमें प्रायर एक्शंस का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे भारत का डिजिटल स्ट्राइक करनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टैग करने की बात कही गई थी। फिजिकल एक्शन का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी को भारत में मौजूद दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर जाकर कैसे एक्शन लेना है, विदेशों में 26 जनवरी को कैसे कोहराम मचाना है। ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर किया और बाद में उसे डिलीट किया, उसे किसान एकता कंपनी ने बनाया था। किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिशों के बीच अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कृषि कानून पर भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। अमेरिका के मुताबिक कृषि कानूनों की वजह से ज्यादा निजी निवेश आएंगे। साथ ही अमेरिका ने भारत में चल रहे आंदोलन पर भी अपनी राय दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ट्रैक्टर परेड में स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के परिवार से मिलने के लिए जब रामपुर रवाना हुई तो उनके काफिले के साथ हादसा हो गया। यूपी में हापुड़ रोड पर प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल चार वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। काफिले में शामिल अगली कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसके बाद पीछे चल रही कारों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद काफिला कुछ देर रुका, लेकिन एक बार फिर रामपुर के लिए आगे बढ़ गया। प्रियंका रामपुर पहुंची और नवरीत सिंह के परिवार के साथ मुलाकात भी की, लेकिन प्रियंका एक बार भी दिल्ली पुलिस के जवानों का हाल जानने के लिए अस्पताल नहीं गई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई घटना से देश की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। चौरी चौरा घटना को आज 100 साल हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस दौरान पीएम ने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी, चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज कल से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हो रहा है। सीरीज के पहले दोनों टेस्ट चेन्नई में ही खेले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी सीट पक्की करने के लिए टीम इंडिया को ये सीरीज हर हाल में अपने नाम करनी होगी। सीरीज का आगाज कल से है और आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया, साथ ही फोटोशूट में भी हिस्सा लिया, जिसमें सबसे पहले नंबर आया टीम इंडिया की सबसे मजबूत दीवार चेतेश्वर पुजारा का। पुजारा ने अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करवाई। पुजारा के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने विराट आते हैं और फोटोशूट में भी कप्तान विराट ही आए। इस शूट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। विराट के बाद तो एक एक करके सभी खिलाड़ियों की लाइन ही लग गई। पहले मोहम्मद सिराज आए, फिर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नंबर आया जो लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपने बल्ले का लोहा सभी को मनाने वाले शुभमन गिल भी इस फोटोशूट में काफी स्टाइलिश नजर आए। पहले तो ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब हर सीरीज में पहले खिलाड़ियों का इसी अंदाज में फोटोशूट होता है जिसमें ये मस्ती करते हुए भी नजर आते हैं। उम्मीद तो यही है कि जिस अंदाज में खिलाड़ियों ने फोटोशूट में टशन दिखाया, उसी अंदाज में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर हल्ला बोलें।